जो कि राजनीति में चाणक्य कहे जाते थे, आज तक पॉलिटिकल लाइफ जो उनका गुजरा ये अद्वितीय रहा। HBHW न्यूज भारत डिजिटल मीडिया में एक नई सोच, एक नए युग की क्रांतिकारी शुरुआत। हर हिंदुस्तानी का अपना चैनल, आपका अपना चैनल, हमारा प्रयास कि हर भारतवासी के दिल में भारत भावना की सकारात्मक ऊर्जा का हो निवास। हम समझते हैं आपके दिल के हर जज्बात को, हर दर्द को, स्वयं और अपने परिवार को सशक्त बनाने और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय पंडित राधानंदन झा की 18वीं पुण्यतिथि बुधवार 4 जनवरी को इनके पैतृक गांव लखनऊ में मनाई गई। इनका जन्म गुलाम भारत में 7 जुलाई 1929 को बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल के लखनऊ गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी श्री सोमनाथ झा के यहाँ हुआ था। यह देश और सभी देशवासी हमेशा ऋणी रहेंगे उन क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के, जिनकी बदौलत आज हम आजादी के अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं और उन शहीदों को लगभग भूल चुके हैं। इनकी मृत्यु जनवरी 2005 में पटना के मैकडोवेल रोड स्थित आवास पर हुआ और उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके 3 पुत्र एवं 1 पुत्री है। बड़े पुत्र डॉक्टर घनश्याम झा, धनंजय रघुवर झा तथा छोटे पुत्र हर्ष नारायण झा हैं। इस अवसर पर उपस्थित आम एवं गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय झा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी याद में 2 मिनट का मौन भी रखा। श्री झा को इंदिरा गांधी ने बिहार के चाणक्य की उपाधि दी थी। उन्होंने अंग्रेजी एवं हिंदी में 2 दर्जन से अधिक ग्रंथों का प्रणयन किया। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे देशों की यात्राएं भी की, जिसमें रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जनेवा, मॉरिशस, केनिया, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जमैका, जाम्बिया, फिजी, हांगकांग, सिंगापुर आदि। प्रस्तुत है हमारे स्थानीय संवाददाता अमरनाथ मिश्रा की रिपोर्ट, जिन्होंने उनके छोटे पुत्र हर्ष नारायण झा से बातचीत की। कौन कहाँ फाइल है, कौन इसमें में क्या हुआ नहीं हुआ, सब कुछ उनसे सब याद रहता था। इसीलिए विरोधी पार्टी में जो था वो भी उनसे राय मशविरा लेता था, जहाँ उनको प्रॉब्लम हो जाता था और वो सबको सही राय देते थे। दूसरा चीज़ यह है कि राधा बाबू के समय में जो राजनीति था और अभी का जो राजनीति है उसमें बहुत अंतर आ गया है। पहले वाला राजनीति रहा नहीं, जो कि राजनीति में चाणक्य कहे जाते थे, आज तक पॉलिटिकल लाइफ जो उनका गुजरा ये अद्वितीय रहा। और आप राजनीति में हैं और कांग्रेस पार्टी के आप मीडिया प्रवक्ता भी हैं, एडवाइजर भी हैं, सब कुछ हैं। आपने राधा बाबू के जिंदगी से क्या सीखे? आपने मिश्रा जी हमसे जो सवाल पूछा है पंडित राधानंदन झा जी के संबंध में जी, वो मेरे पूजनीय पिताजी थे जी और साथ साथ राजनीति गुरु भी थे जी। और जितनी बातों का आपने जिक्र किया है उसमें एक अद्भुत ईश्वरीय प्रतिभा थी जी। उसी प्रतिभा के रूप में अपने कर्म के बदौलत जी, न कोई उनका आगे का कोई बैकग्राउंड था कि उनके फैमिली से ये था, ये यद्यपि ये जरूर था कि हम लोग फ्रीडम फैमिली से बिलोंग करते हैं जी और वो संस्कार था हम लोगों में, लेकिन जो सरस्वती उनका था जी वो अद्वितीय था जी। इस बात से मैं पुत्र के नाते, विद्यार्थी के नाते, समाज के नाते जो भी कहिए मैं आपके बातों से सहमत हूँ जी। जहाँ तक राजनीतिक दृष्टिकोण से वो था कि जो उनकी प्रतिभा थी जी, वो अपने कर्म के बदौलत तो बिहार विधानसभा के स्पीकर तक तो पहुँच गए थे जी, लेकिन उसका सदुपयोग यदि और ऊँचे पद पर उनसे लिया जाता, पार्टी ने लेती है आपको जी, तो वो और बिहार को एक दूसरा बिहार बनाने में उनकी भूमिका रहती जी। जब वो
अध्यक्ष बिहार विधानसभा से कार्यकाल पूरा करके हटे जी, तब वो बिहार राज्य नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त था जी कांग्रेस के रिजिम से लेकर के, और उसी प्रतिभा को देखते हुए लालू प्रसाद जी ने जी, जो तत्कालीन समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी, उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में जी उनको उस पद पर रखा और उनसे उनका राजनीतिक सूझबूझ का जी सहयोग लिया जी, जिसका प्रतिफल ये था कि हिंदुस्तान में जी ये एक रिकॉर्ड है जी, अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं टूटा है जी, कि 15 साल के लालू जी का शासन में 6 भारत के प्रधानमंत्री बदले जी और लालू जी का शासन नहीं बदला जी। उसमें पंडित राधानंदन झा जी का जी बुद्धि का योगदान जी और लालू जी का शक्ति का योगदान था जी। उसी का परिणाम स्वरूप वो 15 साल तक राष्ट्र शहीदों के खून से सिंचित रक्त रंजित यह आजादी अंत नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की पहली नींव है। आजादी लाकर स्वतंत्रता लाने का जो सपना वीर सपूतों शहीदों का था, आज आजाद भारत के हर नागरिक का ये परम कर्तव्य है कि उसे सफल बनाने की दिशा में अपना अंशदान करके अपना अपना कर्ज अवश्य उतारें। स्वतंत्रता अर्थात राष्ट्रवासियों में आत्म गौरव एवं भारत भावना का एहसास और उनके सर्वांगीण हित का अपना तंत्र है। ये सोचकर निराश नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजारकर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए, विवश हो जाए, विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। तेरे दीपक की लौ कम न हो, इसलिए खून बहाते रहे। तेरी धरती को चूमे गगन, ऐ वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। तेरे आशिक दुआ कर चले, उसने तेरा दमकता रहे। सर हमारा रहे चमकता रहे।
मेरे वतन।